हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। आज हम इंग्लिश में सेंटेंस में जो है एरर स्पॉटिंग के टिप्स और रूल्स देखेंगे, जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है, सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, वो सिंगुलर ही होते हैं। जैसे सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, अब्यूज़, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, वेडिंग, रिपेयर, न्यूज़, मिस्चीफ, पोइट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्लासिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स एंड गैलोज। तो ये जो है ये सिंगुलर नाउन ही रहेंगे, इनके कभी भी प्लूरल नहीं बनते, ये सिंगुलर के फॉर्म में ही यूज रहते हैं। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जाम्पल, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर एनचेंटिंग, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, सीनरी के साथ इज आएगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज एनचेंटिंग, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो सिंगुलर वर्ब लेंगे साथ में अपने, आप लोग साथ साथ में इनको लिख लीजिए। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, कुछ नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनका फॉर्म तो सिंगुलर रहेगा लेकिन उनका यूज जो है वो प्लूरल नाउन जैसा होगा, यानी कि बहुवचन संज्ञा जैसा, इसलिए उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल, कैटल, जेंट्री, वर्मेन, पीजेंट्री, आर्टिलरी, पीपल, क्लर्गी, कंपनी एंड पुलिस। ये जो है इनका फॉर्म तो सिंगुलर है लेकिन ये यूज होते हैं प्लूरल जैसे, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि कैटल के साथ इज नहीं आएगा, कैटल के साथ आर आएगा। नेक्स्ट है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन अ प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे और उनके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगी, यानी कि बहुवचन संज्ञा है तो बहुवचन क्रिया ही आएगी। तो एग्जाम्पल हैं, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स, मीजल्स, गुड्स, परमिसेस, थैंक्स, टाइडिंग्स, एनल्स एंड चैटल्स। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि प्लूरल में आते हैं हमेशा और उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। एग्जाम्पल, वेयर इज माई ट्राउजर्स, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट फॉर्म होगा वेयर आर माई ट्राउजर्स, क्योंकि ट्राउजर्स जो है वो प्लूरल फॉर्म है नाउन का। अब साथ साथ में इसे नोट कर लें, लिखते जाएं, जिससे कि ये जो टिप्स हैं सेंटेंस करेक्शन में आपके हेल्प करेगी। नेक्स्ट रूल है, कुछ नाउन्स होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं लेंथ को, मेजरमेंट को, मनी, वेट और नंबर को। जब इनके साथ पहले न्यूमेरल आए तो ये जो है अनचेंज रहता है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे फुट है, मीटर, पेयर, स्कोर, डजन, हेड, ईयर, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज अ थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, थ्री ईयर्स नहीं होगा, थ्री ईयर ही रहेगा क्योंकि इससे पहले ईयर से पहले थ्री आया है जो कि एक न्यूमेरल है। इट इज़ अ थ्री ईयर डिग्री कोर्स, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। ऐसे जो वर्ड्स हैं जो इंडिकेट करते हो लेंथ, मेजरमेंट, मनी, वेट और नंबर को, और उनसे पहले कोई नंबर आ जाए तब उनमें कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। नेक्स्ट है, सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर एंड अनदर इन द प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं तब उनका कोई और मतलब होता है और जब वो प्लूरल हो जाए तो उनका कुछ और मतलब हो जाता है, जैसे कि अथॉरिटी है तो ये जब सिंगुलर रहेगा तो इसका मतलब होगा कमांड, और ये प्लूरल हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा पर्सन इन पावर। नेक्स्ट है, गुड जो है उसका मतलब होता है वाइज, अगर वो सिंगुलर हो और गुड्स हो जाए तो वो उसका मतलब होता है प्रॉपर्टी। फोर्स सिंगुलर हो तो स्ट्रेंथ, और फोर्सेस हो तो आर्मी या डिफेंस, जितनी भी डिफेंस की फोर्सेस हैं वो। और कंटेंट अगर सिंगुलर हो
तो वो सेटिस्फेक्शन होता है, और कंटेंट्स अगर प्लूरल हो तो वो होता है थिंग्स कंटेंड, किसी चीज़ में जो थिंग्स होती हैं दैट इज कंटेंट्स। और फिजिक्स अगर प्लूरल हो तो वो फिजिकल साइंस हो जाती है, और अगर वो सिंगुलर हो तो वो होती है मेडिसिन यानी कि फिजिक। नेक्स्ट है आयरन, सिंगुलर है मेटल, और आयरन्स प्लूरल में है फेटर्स या फिर चेन्स। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है एयर इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ, एंड नेक्स्ट है इट इज बैड टू पुट ऑन एयर्स। तो दोनों जो सेंटेंस हैं उनमें एयर का मीनिंग जो है डिफरेंट है। फर्स्ट में है ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, और सेकंड में जो है उसका मतलब एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ इट्स एंटीसिडेंट्स इन पर्सन नंबर एंड जेंडर। जो प्रोनाउन है वो पर्सन नंबर और जेंडर से एग्री होना करना चाहिए, जो उसे पहले लगे रहते हैं उससे। एवरी मैन मस्ट ब्रिंग हिज लगेज, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर होमवर्क। तो यहाँ ऑल के साथ देर आया है, और एवरी मैन जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हिज जो है वो प्रोनाउन भी इसमें सिंगुलर आएगा। तो प्रोनाउन जो है वो अपने से पहले वाले जो पर्सन नंबर और जेंडर है उसके साथ मैच होना चाहिए, उसके साथ एग्री करना चाहिए। नेक्स्ट है द प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाई वंस। अगर वन आए तो उसके बाद वंस आएगा। एग्जाम्पल, वन मस्ट फिनिश हिज टास्क इन टाइम। तो ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ हिज आया है, हिज की जगह यहाँ पे वंस आना चाहिए। वन मस्ट फिनिश वंस टास्क इन टाइम। जब वन आए तो उसकी जगह प्रोनाउन जो है वो वंस आएगा, हिज या हर नहीं आएगा, या इट जो भी प्रोनाउन है वो नहीं आएंगे, वन की जगह वंस आएगा। नेक्स्ट है हु डिनोट्स द सब्जेक्ट्स एंड हुम इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स। हु जो है सब्जेक्ट के लिए है, और हुम जो है ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। एग्जाम्पल, हुम डू यू थिंक वॉन द अवार्ड। ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो करेक्ट सेंटेंस होगा हु डू यू थिंक वॉन द अवार्ड। नेक्स्ट है हु आर यू टॉकिंग टू। ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट फॉर्म है हुम आर यू टॉकिंग टू। नेक्स्ट है कॉस्ट का मतलब होता है अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर। जो शॉपकीपर सामान लेके आता है, जिसके लिए वो पैसे चुकाता है, उसे कॉस्ट कहते हैं। और जो प्राइस, जो अमाउंट हमने पे किया, जो कस्टमर पे करता है, उसे बोलते हैं प्राइस। तो इसका भी ध्यान रखना, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल आइटम्स हैज़ गॉन अप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है समटाइम्स द बायर्स हैव टू पे हायर प्राइस फॉर नेसेसरी आइटम्स, कॉस्ट ऑफ एंड प्राइस फॉर। नेक्स्ट है कॉज प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट वाइल रीजन एक्सप्लेन्स और जस्टिफाइज अ कॉज। जैसे साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ अ फिनोमिनन। नेक्स्ट है यू हैव अ गुड रीजन टू बी प्लीज विथ योर स्टूडेंट्स। तो कॉज के साथ ऑफ आया है और रीजन के साथ टू। नेक्स्ट है मैन इज प्लूरल ऑफ मैन, मैन MEN जो है वो मैन का प्लूरल है, एंड पीपल इज यूज फॉर पर्सन्स। देर आर फाइव मैन इन द रूम। एंड नेक्स्ट है द पीपल ऑफ बिहार आर सिंपल। तो यहाँ जो टोटल पीपल हैं बिहार के उनको रिप्रेजेंट किया गया है, और जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है उसमें एक पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया कि मैन जो है उनका प्लूरल MEN हो जाएगा, और पीपल जो है इन जनरल पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है। हाउस इज़ अ बिल्डिंग टू लिव इन एंड होम इज़ वंस नेटिव प्लेस। हाउस वो बिल्डिंग है जहाँ हम रहते हैं, और होम जो है जहाँ से हम हैं। एग्जाम्पल, क्वार्टर्स आर हाउसेस अलॉटेड टू अस फॉर अ डेफिनेट पीरियड। क्वार्टर्स भी जो है हमेशा प्लूरल में आएगा। एंड माई होम टाउन इज हैदराबाद। तो इसका भी ध्यान रखिए, क्वार्टर्स जो है वो प्लूरल है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट है कस्टमर अ बायर ऑफ गुड्स
एंड क्लाइंट वन हु अवेल्स वन सेल्फ ऑफ अ सर्विस, कस्टमर जो गुड्स खरीदता है, जो सामान खरीदता है, और क्लाइंट जो वो होता है जो सर्विसेज को अवेल करता है अपने लिए. तो एग्जाम्पल है, द शॉपकीपर्स वेलकम कस्टमर्स विद स्माइल्स एंड द लॉयर्स डिस्कस द केसेस द ऑफ हिज क्लाइंट्स. नेक्स्ट है, यूज ऑफ लेस एंड फ्यूअर. लेस डिनोट्स क्वांटिटी एंड फ्यूअर डिनोट्स नंबर. लेस जो है वो मात्रा को दर्शाता है और फ्यूअर जो है वो नंबर को दर्शाता है. एग्जाम्पल है, नो लेस देन 50 पर्सन्स वर किल्ड. ये इनकरेक्ट हो जाएगा. नो फ्यूअर देन 50 पर्सन्स वर किल्ड, क्योंकि यहाँ पे नंबर डिनोट किया गया है तो इसके साथ फ्यूअर आएगा, लेस नहीं आएगा. नेक्स्ट है, यूज ऑफ लिटल, अ लिटल एंड द लिटल. लिटल मीन्स हार्डली एनी, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट, नगण्य. देयर इज अ लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी. ये इनकरेक्ट हो जाएगा. देयर इज लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी. अ लिटल तो मतलब कुछ होता है, लिटल मतलब नेग्लिजिबल, बिल्कुल भी होप नहीं है उसकी रिकवरी की. वैसे ये जो है फ्यूअर, लेस और अ लिटल वगैरह, ये डिटरमाइनर्स में भी पढ़ाया था, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए. अगर आपकी ग्रामर सही रहेगी तो सेंटेंस करेक्शन में आपको इजी रहेगा. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से जो एरर है उनको स्पॉट कर सकते हैं. नेक्स्ट है, अ लिटल. अ लिटल मीन्स सम, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा. एग्जाम्पल, लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग. ये इनकरेक्ट हो जाएगा. इसका करेक्ट फॉर्म है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मतलब थोड़ी सी जो नॉलेज होती है बहुत खतरनाक होती है. नेक्स्ट है, द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल देयर इज, मतलब ज़्यादा नहीं पर जितना भी है सारा. अ लिटिल मिल्क दैट इज इन द पॉट मे बी यूज फॉर द पेशेंट. ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अ लिटिल तो बहुत ही कम हुआ, तो द लिटिल जो है जितना भी है सारा. द लिटिल मिल्क दैट इज इन द पॉट मे बी यूज फॉर द पेशेंट. ये करेक्ट फॉर्म है इसका. देन नेक्स्ट है, यूज ऑफ एल्डर एंड ओल्डर. ओल्डर जो है दैट रिफर्स टू पर्सन एज वेल एज थिंग्स एंड इज फॉलोड बाई देन, THAN. ये देन से फॉलो रहता है. ओल्डर जो है हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर्सन्स के लिए भी और चीज़ों के लिए भी, और इसके बाद हम देन का यूज़ करेंगे. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स जो हैं मिलते रहें जब भी वीडियो अपलोड हो. ओल्डर और एल्डर का एग्जाम्पल, राम इज एल्डर देन ऑल अदर बॉयज ऑफ हिज एरिया. ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राम इज ओल्डर देन ऑल अदर बॉयज ऑफ हिज एरिया, मतलब वो सबसे बड़ा है. अदर एल्डर जो है वो यूज़ किया जाता है फैमिली मेम्बर्स के लिए ही, पर ओल्डर जो है वो हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ एल्डर नहीं आएगा, ओल्डर आएगा. एल्डर तब आता है जब हम फैमिली की बात करते हैं, फैमिली के अंदर ही. जैसे एग्जांपल, सुरेश इज़ माय ओल्डर ब्रदर, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सुरेश जो है वो मेरा बड़ा भाई है, तो यहाँ पे एल्डर ब्रदर आएगा, सुरेश इज़ माय एल्डर ब्रदर. नेक्स्ट है, नॉर्मली देन इज़ यूज इन द कंपैरेटिव डिग्री बट विथ वर्ड्स लाइक सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड प्रिफर, टू इज़ यूज्ड. इनके साथ जो है हम टू यूज़ करेंगे, देन यूज़ नहीं करेंगे. ये सब कंपैरेटिव डिग्री के एग्जांपल्स हैं. शैली इज़ जूनियर देन वर्ड्सवर्थ. ये इनकरेक्ट हो जाएगा. इसका करेक्ट फॉर्म है, शैली इज़ जूनियर टू वर्ड्सवर्थ. तो इनके साथ ये फिक्स प्रिपोजिशन है टू. नेक्स्ट है, व्हेन अ कंपैरिजन इज़ मेड बाय यूजिंग अ कंपैरेटिव फॉलोड बाय देन, द वर्ड अदर मस्ट बी यूज टू एक्सक्लूड द थिंग कंपेयर्ड फ्रॉम द क्लास ऑफ थिंग्स विद विच इट इज़ कंपेयर्ड फ्रॉम द क्लास ऑफ थिंग्स विद विच ऑफ इट इज़ कंपेयर्ड. एग्जाम्पल, ही इज स्ट्रोंगर देन एनी मैन. तो यहाँ ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ही इज स्ट्रोंगर देन एनी अदर मैन.
नेक्स्ट है वन ऑफ ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल नाउन आफ्टर इट. वन ऑफ जो है उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा. एग्जाम्पल, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज इन माई लाइफ. ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे डेज आना चाहिए. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज इन माई लाइफ. नेक्स्ट है स्केयर्सली एंड हार्डली आर फॉलोड बाई वेन एंड नॉट बाई देन. THEN से फॉलोड नहीं होते ये. स्केयर्सली एंड हार्डली के साथ हम वेन लगाते हैं और नो सूनर के साथ हम THEN लगाते हैं. आई हैड स्केयर्सली एंटर्ड द रूम देन द फोन रैंग. ये इनकरेक्ट होगा, इसके जगह वेन आएगा. आई हैड स्केयर्सली एंटर्ड द रूम वेन द फोन रैंग. तो इसका ध्यान रखेंगे कि स्केयर्सली एंड हार्डली के साथ आएगा वेन और नो सूनर के साथ आएगा देन, THEN. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे. नेक्स्ट जो रूल है वो है टाइम से रिलेटेड. जो सीन्स है वो इंडिकेट करता है पॉइंट ऑफ टाइम, एंड जो फोर है वो ड्यूरेशन या लेंथ ऑफ टाइम इंडिकेट करता है. एग्जाम्पल, ही हैज़ बिन रीडिंग द बुक सिंस 2 आवर्स. यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखी है, हमको 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे सीन्स की जगह हम फोर का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर मंडे लास्ट. तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है कि मंडे से बारिश हो रही है, तो यहाँ पे फॉर की जगह सीन्स आ जाएगा, तब ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा. इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मंडे लास्ट. नेक्स्ट है अंटिल जो है वो टाइम को एक्सप्रेस करता है और ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस है इसका, इसलिए इसके साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं इसका, वेट हियर अंटिल आई डू नॉट रिटर्न. तो ये इनकरेक्ट फॉर्म हो जाएगा सेंटेंस का, अंटिल के साथ नॉट नहीं आएगा. इसका करेक्ट फॉर्म है वेट हियर अंटिल आई रिटर्न. अंटिल पहले से ही नेगेटिव है इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे. वेन एंड वाइल का यूज़ करते हुए भी हमको ध्यान रखना है कि वेन जो है वो जनरल सेंस को इंडिकेट करता है, और जबकि वाइल जो है दैट इम्प्लाइज अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग अ वर्क. जब हम कोई काम कर रहे हैं उस दौरान जो टाइम है उसको इंडिकेट करता है वाइल. एग्जाम्पल, वेन लर्निंग टू स्विम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू रिलैक्स. ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि स्विमिंग जो है वो एक प्रोसेस है, उस दौरान जो है ये बात हो रही है. वाइल लर्निंग टू स्विम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू रिलैक्स. तो स्विमिंग करने के दौरान रिलैक्स करना चाहिए, तो इसके लिए हम वाइल का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो प्रोसेस है वो चल रहा है, उस ड्यूरिंग हमने बात की है, तब हम वाइल का यूज़ करेंगे. और वेन जो है वो जनरल सेंस को इंडिकेट करता है, जनरल सेंस में काम आता है. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.